तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, यदि आप टिकटॉक ओपन करेंगे तो आपको टिकटॉक पे 50 से 60% वीडियो ट्रांजेक्शन इफेक्ट और स्लो मोशन वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस तरह के प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन इफेक्ट और स्लो मोशन वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक काइनमास्टर एप्लीकेशन एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और वीडियो में जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो इसे हम कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आना है और आपको यहाँ पे 0.5 कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो जो है आपका स्लो मो में हो जाएंगे। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले म्यूट करना है। शेयर पर क्लिक करेंगे, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है, सबसे पहले अपने दोनों वीडियो को स्लो मो में कर देना है। इसके बाद जब आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो इसे आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर से आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड क्लिक कर लेना है, ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को वीडियो को अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल करना है, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ तक आपका ब्लैक कलर दिख रहा है वहीं तक का फर्स्ट पार्ट चाहिए, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। अपने वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। जब वीडियो आप प्ले करेंगे तो आपका वीडियो फर्स्ट पार्ट का कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और यहाँ पे फिर से आपका देख सकते हैं ब्लैक कलर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 10.5 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो सेकेंड वीडियो एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है सेकेंड वीडियो आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा सेकेंड वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। इसके बाद वीडियो प्रेस करेंगे 10.5 पे आपको लेकर आ जाना है। तो मैं यहाँ पे 10.5, 4 या 5 के आसपास रख देता हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, अब देख सकते हैं आपको कहाँ तक का पार्ट चाहिए, जहाँ तक आपको ब्लैक कलर दिख रहा है वहीं तक का आपको पार्ट चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आ जाना है और एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है ट्रिम टू राइट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो होता है हमारा स्लो हो जाता है, अब स्लो नहीं होगा। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सॉरी, शेयर पे क्लिक करेंगे, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।